चलिए बात करेंगे एक आविष्कारक की। नाम गोपाल है। गोपाल का नाम आविष्कारों के चलते भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में हो रहा है। 19 साल के युवा वैज्ञानिक गोपाल ने नासा में शोध करने के ऑफर को ठुकराकर भारत में ही रहकर शोध करने की अपनी इच्छा जाहिर की है। 19 साल की उम्र में अपनी प्रतिभाओं से नाम रोशन करने वाले गोपाल का जिक्र दुनिया भर में हो रहा है। नासा से लेकर दुनिया की कई बड़ी शोध संस्थाएं गोपाल के आविष्कार से न केवल हैरान हैं, बल्कि उन्हें सराहना देते हुए अपने यहाँ काम तक के लिए आमंत्रित कर चुकी हैं। गोपाल ने महज 13 साल की उम्र में केले के तने और वेस्ट पेपर से बिजली बनाने का आविष्कार किया। देहरादून के रहने वाले गोपाल इन दिनों देहरादून के निजी विश्वविद्यालय में 4 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, जिसमें बनाना बायोसेल और पेपर बायोसेल जैसे बड़े आविष्कार शामिल हैं। जी, जो अभी तक में हमने जो है 2 पेटेंट कराई है, 10 इन्वेंशन मेरे हैं, 4 मेरे फाइल्ड हैं। जो मेरा पहला इन्वेंशन था वो बनाना बायोसेल है। मैंने केले के थंब से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी, जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी, जिन्होंने हमारे काम करने के तरीकों को बदल दिया, जिन्होंने हमारी लाइफ स्टाइल बदल दिया, जिन्होंने हमारे सपने को पूरा कर दिया। छोटा सा इन्वेंशन था, लेकिन उन्होंने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया कि हम आज एक से एक इन्वेंशन कर रहे हैं। गोपाल के इस आविष्कार की बात न केवल नासा बल्कि ऑक्सफोर्ड न्यू जर्सी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और नासा ने 2 बार उन्हें आमंत्रित किया, जबकि व्हाइट हाउस में भी उन्हें शोध के लिए बुलाया गया। इसके साथ ही चीन, जापान और दूसरे देशों की बड़ी संस्थाओं ने भी उन्हें शोध के लिए बुलाया, पर गोपाल की जिद थी कि जो भी शोध करेंगे अपने देश के लिए ही करेंगे। देखिए, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं और देखिए दूसरे देशों को, मैं आप एक लॉजिक समझिएगा, साइंस में कभी भी मैजिक नहीं होता, उसमें लॉजिक होता है और एक लॉजिक रियल लाइफ में होता है। क्या दूसरे भारत के देशों के इंजीनियर से किसी और देश के इंजीनियर को, किसी और देश के को मतलब है? क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे खुद इंजीनियर। हाँ, भारत के डॉक्टर से किसी और देश के डॉक्टर किसी और देश को मतलब नहीं है। भारत के यहाँ पे सरकारी नौकरी करने वाले से किसी और को कोई मतलब नहीं, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ के रिसर्चर से, इनोवेटर से पूरी वर्ल्ड दुनिया को मतलब है, पूरी दुनिया के इन्वेंटर से हमारे देश को मतलब है कि हाँ भाई, बल्ब का इन्वेंशन एडिसन ने किया तो भाई बल्ब वहाँ अमेरिका में भी जल रहा है, हमारे देश में भी जल रहा है। तो साइंस के लिए कोई भी बॉर्डर नहीं होता है, कोई भी राज्य नहीं होता है, कोई भी देश नहीं होता है। और ये हर समाज सेवा के लिए होता है कि कुछ भी इन्वेंट की चीज़ें वो हर चीज़ में मदद, तो पूरी दुनिया को नज़र रहती है कि दुनिया में कौन क्या नया कर रहा है। हाँ, दुनिया को ज़रूरत नहीं है कि यहाँ का कौन इंजीनियर कौन डॉक्टर, दुनिया को ज़रूरत है कि गोपाल जी जैसा बच्चा क्या इन्वेंट कर रहा है। तो उनको पता था, उनको पता चला कि हमने ऐसा ऐसा काम किया, स्वाभाविक बात है कि जो उनके काम की चीज़ होंगी उसके लिए वो बुलाएंगे ही। और ये हमेशा से विदेशों का रहा ही है कि भारत के जो बेस्ट ब्रेन होते हैं, जो अच्छे काम करने वाले होते हैं, उनको यहाँ से लेके जाते हैं, वहाँ पे काम करवाते हैं। तो उन्होंने हमारे साथ भी कोशिश करी, लेकिन कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर लगा कि हम अपने देश को कुछ कर सकते हैं और देश के लिए, हम देश के लोगों के जो रिसर्चर हैं उनके साथ हम मिलकर देश को आगे बढ़ा सकते हैं इस फील्ड में। न्यू जर्सी हो गया, नासा हो गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद अमेरिका हो गए, व्हाइट हाउस से आया हुआ है, उसके बाद फिर कई सारे जगह हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, वर्ल्ड के 82 कंट्री ने हमारे रिसर्च को पब्लिश किया, हमारे आर्टिकल को पब्लिश किया अपने जगहों पे। उसके बाद फिर कई सारे देशों ने कई कोशिश करी कि हम पैसे के ऊपर भी जाएं, लेकिन हमने भारत को कहा कि नहीं, मैं यहाँ पर रहूँगा और यहीं के लिए काम करूँगा। अरे, हमारे पास आज सरकार ने सारी सुविधाएँ दे रखी है, तो मैं यहाँ क्यों ना करूँ काम, तो इसलिए मैं नहीं गया। अपने देश के लिए कुछ कर दिखाने के जज्बे को देखते हुए भारत में भी उन्हें खूब सराहा गया। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से उन्हें इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, बेहद कम उम्र में बड़े बड़े कारनामे करने पर भारत की आई स्मार्ट कंपनी ने गोपाल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। साइंस के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी वैज्ञानिक नहीं बना जिसको किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने अपने यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया, लेकिन उन्होंने हमें बनाया। और आज कई सारे बच्चे, उन्होंने कहा कि रियल हीरो नहीं, रियल हीरो चाहिए। तो उन्होंने हमारी चीज़ों को देखा, उन्हें पसंद आया और उन्होंने को बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आई स्मार्ट को देता हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बताते हैं कि गोपाल की शोध में दिलचस्पी कैसे बढ़ी। दरअसल साल 2008 में बिहार में आई बाढ़ ने गोपाल को वैज्ञानिक बना दिया। जानिए कैसे। गोपाल का वैज्ञानिक बनने का सफर बेहद मुश्किल भरा रहा।
गोपाल बिहार के भागलपुर स्थित ध्रुवगंज के रहने वाले हैं और उसके पिता प्रेम रंजन कुमार एक छोटे किसान हैं। 2008 में बिहार में आई बाढ़ ने लोगों के घर उजाड़ दिए थे और इसी बाढ़ ने गोपाल के पिता की केले की खेती पूरी तरह से बर्बाद कर दी थी, जिसके बाद गोपाल ने बर्बाद हुई केले की फसल के उपयोग को लेकर सोचना शुरू कर दिया और यहीं से गोपाल का युवा वैज्ञानिक बनने का सफर शुरू हुआ। 2 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गोपाल की मुलाकात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद स्थित NIF में शोध के लिए गोपाल को अनुमति दी, जिसके बाद गोपाल अब तक कई विषयों पर शोध कर चुके हैं। तो इस तरह से गोपाल की फर्श से लेकर अर्श तक की कहानी शुरू हुई। हमारा जो सपना है वो है क्या कि हम इस देश में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जाएं इस दुनिया से कि हमारे तरह गोपाल जी को इतना जो बच्चे हमारे तरह है जिन्होंने जो हमने परेशानी झेली है अपनी इस दौरान में इस जर्नी में जो 5 साल 6 साल की जर्नी रही है उस जर्नी में जो परेशानी झेली है हम ऐसा प्लेटफॉर्म बना के जाएं आपकी सपोर्ट से लोगों की सपोर्ट से देश की सपोर्ट से ताकि दूसरा बच्चा ये परेशानी ना झेले। हमारा बस एक यही सपना है, बाकी चीजें तो पूरी हो गई और क्या चाहिए। इन दिनों गोपाल ग्राफिक एरा की लैब में शोध कर रहे हैं जहां वो सूर्य के अध्यक्ष से जुड़े गैसेस और ऑयल के विषय पर शोध कर रहे हैं। इसके साथ ही वो न्यूक्लियर रेडिएशन कम करने को लेकर भी एक थ्योरी पर शोध कर रहे हैं। गोपाल ने 13 साल की उम्र में शोध करना शुरू किया था, फिलहाल उनकी उम्र 19 साल है। वो अब तक कुल 6 आविष्कार फाइल कर चुके हैं। इसमें G-Star पाउडर शामिल है जो डिफेंस के क्षेत्र में बेहद कारगर साबित हो सकता है। साथ ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक बायोसेल जिसमें आसमान से बिजली गिरने पर उसे स्टोर करने से जुड़ा शोध शामिल है। सौरभ भाटिया की रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।